आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चीज़ केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये उड़ीसा की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है, इसे छेना पोड़ा भी कहते हैं। तो अगर आपने एक बार ये स्वीट डिश बना ली तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। तो गैस पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध रख दिया है। अब हम उसमें एक उबाल आने देंगे। ये देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे और हम यहाँ पे इसमें विनेगर ऐड करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच पानी में मैंने 2 बड़े चम्मच विनेगर लेके ऐड कर दिया था, तो वो ये पानी है। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध में ऐड करते जाएंगे, तो दूध अपने आप फट जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, तो कभी कभी 2 चम्मच लगते हैं विनेगर का, कभी 3 चम्मच लगता है, तो ये बहुत ही आसानी से फट जाता है। आप चाहें तो नींबू के रस से भी दूध को फाड़ सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने इसे छान लिया है। अब इसके बाद हम इसे साफ़ धुल लेंगे, 2-3 गिलास पानी डाल के इसे धुल लेंगे कि इसका खट्टापन निकल जाए, जो विनेगर मैंने डाला था। तो ये देखिए, ये फ्रेश छेना बन के रेडी है। आप भी इसे इसी तरह बनाएं। तो अब इसे मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसे अच्छे से, ये देखिए, स्पैचुला की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सूजी और 1/3 कप चीनी। चीनी आप इसमें ज़्यादा ना ऐड करें, यहाँ पे मैंने 1/3 कप चीनी का यूज़ किया है। अब इसे हम हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और चीनी भी मेल्ट हो जाती है। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे। ये देखिए, मैं मसलते हुए मिक्स कर रही हूँ, तो चीनी भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और ये देखिए, मिश्रण अभी काफ़ी गाढ़ा है और थोड़ा सूखा है, तो हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध का ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दूध का यूज़ किया है। मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये मिश्रण ऐसे थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसे ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए कि सूजी अच्छे से फूल जाए। एक कढ़ाई के अंदर मैंने स्टैंड रख दिया, इसे ढक के लो फ्लेम पे रख देंगे कि कढ़ाई गर्म होती रहे। और एक टेन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बेसिकली हमें इसे बेक करना है, इसीलिए मैं कढ़ाई गर्म कर रही हूँ। तो फिर उस टिन के ऊपर मैंने एक बटर पेपर बिछा दिया है, इसके ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे, बटर पेपर के ऊपर भी। तो ये टिन हमारी बन के रेडी है। तो ये देखिए, 20 मिनट के बाद ये कैसे मिक्सचर अच्छा फूल गया है। ये सूजी इसमें अच्छे से फूल गई है और ये थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी का यूज़ करेंगे। ये जमी हुई देसी घी है। और 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर का यूज़ किया है। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, क्योंकि अभी ये मिक्सचर बहुत ही गाढ़ा है। ज़्यादा दूध हमें एकदम नहीं ऐड करना है, तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने दूध का ऐड किया है। इसे मिक्स कर लेंगे। मिश्रण इसका थोड़ा थिक ही रहेगा, वरना इसे पकने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप देख लीजिए इसका टेक्सचर कैसा है, ऐसा ही होना चाहिए। ये देखिए, तो ये मिक्सचर रेडी है। तो अब हम इसे, ये देखिए, टिन में लेके हम अब डाल देंगे। तो अब मैं इसे, ये देखिए, टिन में डाल दूँगी। आपको इसे अच्छे से मैश कर लेना है, जब आप इसे हाथों से मैश करें तो। तो अब ये देखिए, टिन में करके मैं कैसे स्पैचुला से इसे प्लेन कर रही हूँ। फिर इसे टैप कर लेंगे और इसको अब हम थोड़ा गार्निश कर लेंगे। ये ऑप्शनल है। तो कटे हुए पिस्ते, बादाम और केसर से हम इसे गार्निश करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा देखने में भी ये सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, तो अब मैंने इसे कढ़ाई के अंदर रख दिया है और फिर हम इसे ढक के लो फ्लेम पे 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद ये देखिए कैसे ये साइड छोड़ने लगा है। लो फ्लेम पे ही हमें इसे बेक करना है। चेक करेंगे, ये देखिए एकदम टूथपिक क्लीन निकली है, साइड से भी, बीच में भी। 35 मिनट में ये अच्छी बेक हो जाती है। तो अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे निकालेंगे, गरम गरम ना निकालें, वरना टूटने का डर रहेगा। ये देखिए, साइड से हम नाइफ से इसे स्क्रैच कर लेंगे, ऊपर प्लेट रखेंगे और टैप करेंगे।
और फिर मैं इसे निकालूंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी बेक हुई है हमारी चीज़ केक छेना पोड़ा। ये उड़ीसा की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है और ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। घर में रखे सामान से, केवल दूध से आप बहुत ही टेस्टी ये ट्रेडिशनल रेसिपी बना सकते हैं। मैं इसे कट करके भी दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। और आपने देखा सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही अवेलेबल हैं। एक बार आपने बना ली तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है।